हेलो गाइस, टेक न्यूज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की पहली न्यूज रियलमी की तरफ से है। तो आज रियलमी ने अनाउंस कर दिया है कि वो लोग लॉन्च करने वाले हैं रियलमी नार्जो सीरीज को 21 अप्रैल को। वहां पर वो लोग दो फोन्स लॉन्च करने वाले हैं, रियलमी नार्जो 10 एंड रियलमी नार्जो 10A। ये दोनों फोन रीब्रांडेड वर्जन होने वाले है रियलमी 6i एंड रियलमी C3 जो इंडोनेशिया में लॉन्च हुआ है। इन दोनों का रीब्रांडेड वर्जन होने वाला है और ये फोन 21 अप्रैल को इंडिया में लॉन्च होने वाला है। तो दोस्तों, क्या आप लोग इन दोनों फोन्स के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। अगली न्यूज रेडमी की तरफ से है। तो आज रेडमी नोट 9 टेना सर्टिफिकेशन के लिए लिस्ट हो चुका है। वहां पर इसकी फोटोग्राफ भी सामने आ चुकी है, जहां से ये पता चलता है कि रेडमी नोट 9 की डिजाइन रेडमी नोट 9 प्रो जैसे ही होने वाली है। बट इस फोन में हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलने वाला, इसमें हमें रियर साइड पे फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलने वाला है। और पता चला है कि इस फोन में मीडियाटेक हीलियो G80 का प्रोसेसर मिलने वाला है। इसमें 5000 mAh की बैटरी भी मिलने वाली है, जिसको हम चार्ज कर पाएंगे 22 वॉट के फास्ट चार्जर से। और ये फोन रेडमी सून लॉन्च करने वाली है। तो दोस्तों, आपको रेडमी नोट 9 का फर्स्ट लुक कैसा लगा, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। अगली न्यूज हुआवे की तरफ से है। तो आज हुआवे नोवा 7 का लाइव फोटोग्राफ लीक हो चुका है, जहां से ये पता चलता है कि इस फोन में हमें कर्व डिस्प्ले मिलने वाली है और ये डिस्प्ले ड्यूअल पंच होल सेल्फी कैमरे के साथ आने वाली है। और इस फोन में किरिन 985 का प्रोसेसर मिलने वाला है और ये फोन हुआवे 23 अप्रैल को चाइना में लॉन्च करने वाले है। अगली न्यूज शाओमी की तरफ से है। तो आज शाओमी ने कंफर्म कर दिया है कि वो लोग मी 10 सीरीज को मलेशिया में 22 अप्रैल को लॉन्च करने वाले हैं और ये फोन इंडिया में भी वो लोग सून लॉन्च करने वाले हैं, क्योंकि सभी ई कॉमर्स वेबसाइट 20 अप्रैल से रीओपन होने वाली है। और रियलमी ने भी रियलमी नार्जो का इवेंट डिक्लेयर कर दिया है, जिसकी वजह से ये कंफर्म हो जाता है कि ये फोन वो लोग सून लॉन्च करने वाले हैं। और दोस्तों, अगर आपको मेरी ये टेक न्यूज पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। अगली न्यूज नूबिया की तरफ से है। तो मैंने कल आपको कहा था कि नूबिया लॉन्च करने वाला है अपना नया फोन नूबिया प्ले 21 अप्रैल को चाइना में, और आज नूबिया ने ये कंफर्म कर दिया है कि इस फोन में 144Hz रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले मिलने वाली है। और पता चला है कि इस फोन में स्नैपड्रैगन 765 का प्रोसेसर मिलने वाला है। तो दोस्तों, क्या आप लोग इस स्मार्टफोन के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। अगली दो न्यूज शाओमी की तरफ से है। तो आज शाओमी का एक नया फोन MIIT सर्टिफिकेशन के लिए लिस्ट हो चुका है, जहां से ये पता चलता है कि ये फोन एक 5G फोन होने वाला है। ये फोन का नाम क्या होगा ये तो अभी पता नहीं चला, मुझे जैसे ही पता चलेगा मैं आपको बता ही दूंगा। उसके साथ साथ आज शाओमी ने अपना मी रोबोट वैक्यूम क्लीनर इंडिया में लॉन्च कर दिया है और इसकी प्राइस है 17,999 रुपीज। अगर आपको इसको खरीदना है तो आपको इसे खरीदना होगा क्राउड फंडिंग थ्रू। तो दोस्तों, आपको ये दो न्यूज कैसी लगी, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतनी टेक न्यूज थी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहता हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।